हाय डियर वंस, आई एम रईस अहमद। वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिशिर सर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, शिशिर सर क्लासेस अब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। एट टुडे we are going to learn a very important topic, that is use of indefinite articles, A and N। तो आज की क्लास में हम जो हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स है A और N, हम उसके यूज के बारे में, हाउ टू यूज इट, सीखेंगे। The use of indefinite article A and N, the choice between A and N is determined primarily by sound। जो A और N हमारा indefinite articles है, इसका जो use है वो sound से है। कैसे, आइए हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका जो यूज है वो साउंड से। रूल वन, अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। इस इनडिफिनिट आर्टिकल में जो हमारा पहला आर्टिकल है ए, इनडिफिनिट आर्टिकल का पहला आर्टिकल ए, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज हमें कैसे शब्द, एक ऐसे लफ्ज से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट शब्द है, अब हम इससे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एंड का यूज करेंगे। हम इससे पहले ए का यूज करेंगे और ए का यूज करेंगे और एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम यूज क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये प्रेजेंटेशन है इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, और इस प्रेजेंटेशन पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप देख भी रहे हैं कि स्टूडेंट ये किस अल्फाबेट से शुरू हुआ है, एस से शुरू हुआ है, एस यहां पर है, और एस बेसिकली है क्या, बेसिकली एस कॉन्सोनेंट है, हम सब जानते हैं, हम सब को ये बातें आती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मुझसे ज्यादा आता है। ए का यूज हम करेंगे कि एन का यूज करेंगे इस शब्द, इस लफ्ज स्टूडेंट से पहले। तो ये जो स्टूडेंट है, आप प्रेजेंटेशन पे देख रहे हैं कि एस से शुरू हुआ है,
और एस बेसिकली कॉन्सोनेंट है, और ये साउंड किसका दे रहा है, एस यहां पे साउंड भी दे रहा है कॉन्सोनेंट का, इसका साउंड दे रहा है, साउंड भी दे रहा है कॉन्सोनेंट का। साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। और रूल्स क्या कहता है, रूल इज सेइंग दैट, रूल क्या कह रहा है कि अगर ए एक ऐसे शब्द से पहले आता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है कि नहीं होता इसका फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम उससे पहले, उस शब्द से पहले ए आर्टिकल का यूज करेंगे, उस शब्द से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम यहां स्टूडेंट्स से पहले ए का यूज करेंगे, अ स्टूडेंट। और भी एग्जांपल्स हैं आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू इस प्रेजेंटेशन पे, एक वर्ड है पेन। अब पेन जो है शुरू किससे हुआ है, पी से, पी पी से शुरू हुआ है, पी है क्या बेसिकली कॉन्सोनेंट है, साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो इसलिए यहां पे पेन से भी पहले ए का यूज होगा, क्या होगा, अ पेन। थर्ड वन इज चाइल्ड। चाइल्ड एक ऐसा शब्द है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है, तो चाइल्ड से भी पहले हम ए लगाएंगे और ये हो जाएगा अ चाइल्ड। टेबल भी कौन सा साउंड दे रहा है, टेबल भी साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, तो इसलिए इससे भी पहले क्या लगेगा, आ और टेबल। डियर वंस, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कॉन्सोनेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज हुआ है, अ स्टूडेंट, अ पेन, अ चाइल्ड, अ टेबल। अब आते हैं एग्जाम्पल सिक्स पर। एग्जाम्पल सिक्स, एग्जाम्पल सिक्स, यूनिफॉर्म। यहां पे जो वर्ड है यूनिफॉर्म किससे शुरू हुआ है, द वर्ड बिगिंस विथ यू, आप देख रहे हैं यू से शुरू हुआ है, यू है क्या, यू वॉवेल है, और ये साउंड क्या दे रहा है, साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। यूनिफॉर्म एक ऐसा शब्द है जो शुरू यू से हुआ है, शुरू यू से होता है, और यू बेसिकली इज अ वॉवेल, एक वॉवेल है, लेकिन जो साउंड आ रहा है यहां पे इस शब्द में यू का, वो आ रहा है कॉन्सोनेंट। यूनिफॉर्म साउंड आ रहा है या का, किसका साउंड आ रहा है डियर वंस, वाई का। साउंड आ रहा है वाई का।
तो इसलिए यहां पे हम यूज क्या करेंगे, अ या एन, अ का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। तो यहां पे हम यूज करेंगे अ का, क्यों? क्योंकि रूल हमको ये बताता है कि ए का यूज हम ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको जो इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करता है, वो साउंड करता है। यहां पे साउंड मैटर्स, हम ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट और वोवेल के अकॉर्डिंग। अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो हम उसका यूज करेंगे, अभी आगे देखेंगे। अगर रूल टू में देखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है डियर वंस, तो वो वर्ड शुरू चाहे जिससे हो, वो शुरू चाहे कॉन्सोनेंट से हो या वोवेल से हो, शुरू चाहे कॉन्सोनेंट से हो चाहे वोवेल से हो, हम यूज करेंगे उससे पहले ए। यस, शुरू कॉन्सोनेंट से हो या वोवेल से हो, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम उससे पहले यूज करेंगे ए इंडिफिनिट आर्टिकल का। और वही चीजें यहां यूनिफॉर्म के साथ है। यूनिफॉर्म जो है शुरू तो यू से हुआ है, यू है तो वोवेल, लेकिन साउंड जो आ रहा है, जो साउंड दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यूनिफॉर्म से पहले ए का यूज करेंगे। और यहां पे ए का यूज हुआ भी है। डियर वंस, आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशंस हैं, आप इस प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म से पहले ए इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है, किया गया है। तो हमको इस बात को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लेना है, मन मस्तिष्क में रचा बसा लेना है कि हम जब ए और एन का यूज करेंगे, जब हमको ए और एन को यूज करना है, तो हम ये देखेंगे कि वो वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर यहां पे जो करता है वो साउंड करता है। अगर शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए इनडिफिनिट आर्टिकल का। तो ये चीज हमको मन मस्तिष्क में बैठा के रखना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सिक्स को हम देखते हैं, यूनिक बुक। अब क्वेश्चन यह है कि इससे पहले हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। भाई ये जो वर्ड है यूनिक, शुरू तो हुआ है वोवेल से, शुरू तो हुआ है यू से, लेकिन अब हमको यहां पे यह देखना है, हमको ये चेक करना है कि है तो ये वोवेल, नो डाउट वो हमको दिख भी रहा है, हम देख भी रहे हैं डियर वंस, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, विच साउंड यू इज गिविंग, यू कौन सा साउंड दे रहा है। क्योंकि जो ए और एन का यूज है, इट डिपेंड्स अपॉन साउंड, ये साउंड पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं, इससे पहले यू का यूज होगा, इससे पहले सॉरी ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। तो यूनिक बुक, यूनिक भी, ये जो यूनिक है हमारा शब्द डियर वंस, किससे शुरू हुआ है, शुरू हुआ है यू से। किससे शुरू हुआ है, यू से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये वोवेल होने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वोवेल, इट्स गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। ये वोवेल होने के बावजूद
साउंड जो दे रहा है कॉन्सोनेंट का दे रहा है, यहां पे ये जो साउंड दे रहा है डियर स्टूडेंट्स वो दे रहा है या का, इसका वाई का। तो इसलिए हम इस यूनिक से पहले ए का यूज करेंगे, अ यूनिक बुक, अ यूनिक बुक। एग्जाम्पल नंबर 7, यूरोपियन। अब इस यूरोपियन से पहले हम क्या यूज करेंगे, इस यूरोपियन से पहले हम क्या यूज करेंगे, तो इस यूरोपियन से पहले जो शब्द है यूरोपियन आप देख रहे हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है कि शुरू हुआ है ई से, इससे शुरू हुआ है ई से। ई है क्या, हम सब जानते हैं ई एक वोवेल है, ई एक वोवेल है, और वोवेल से पहले हम किसका यूज करते हैं डियर वंस, एन का यूज करते हैं एस। लेकिन यहां पे फिर वही बात है कि हमको वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, हमको साउंड को देखना है कि ये कौन सा साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। है तो ये ई, है तो ये वोवेल, लेकिन ये साउंड क्या दे रहा है, साउंड दे रहा है या का, इसका साउंड दे रहा है, ये भी साउंड दे रहा है डियर वंस, ये भी साउंड दे रहा है या का, किसका या वाई का, यूरोपियन। तो इसलिए इससे भी पहले क्या यूज होगा, ए आर्टिकल यूज होगा, अ यूरोपियन। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आ का या एन का, यह भी शुरू हुआ है यू से, यू वोवेल है लेकिन साउंड दे रहा है या वाई का, इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे अ आर्टिकल का जो कि यूज हुआ है, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इससे भी पहले हम यूज करेंगे अ का, इस ए का, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 9, वन आइड मैन। एग्जाम्पल नंबर 9, वन आइड मैन। वन आइड मैन, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, वन आइड मैन। अब फिर हमको ये देखना है कि इससे पहले हम आ का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वन ये जो वर्ड है, वन शुरू किससे हुआ है, शुरू हुआ है किससे, वोवेल ओ से, ओ क्या है, वोवेल है, हम सब जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सब जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या है, वोवेल, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, किसका, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। इसलिए हम इस वन आइड मैन से पहले किस इसका यूज करेंगे, ए का या एन का, तो जवाब क्या आएगा, ए का। क्यों, क्योंकि ओ है तो वोवेल लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे ए आर्टिकल का, अ वन आइड मैन।
अब हम आते हैं रूल टू पर। रूल टू क्या कहता है ये भी हमको याद रखना है, ये भी जो बात है याद रखने वाली है, जहन नशीन करने वाली है, मन मस्तिष्क में रचाने और बसाने वाली है। एंड इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ वोवेल साउंड। रूल टू कहता है कि हम एंड का यूज एक ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो वोवेल साउंड को देता है, उससे पहले वो जो शब्द है शुरू वोवेल से होता है कि कॉन्सोनेंट से होता है, इट डजंट मैटर, हियर साउंड मैटर्स। वो शब्द, वो लफ्ज, वो वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहां माने नहीं रखता। तो माने क्या रखता है, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि हम एंड का यूज, ये जो इनडिफिनिट आर्टिकल है एंड, हम इसका यूज एक ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो वोवेल साउंड से शुरू होता है, जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में वोवेल साउंड देता है, तो उससे पहले हम एंड का यूज करेंगे। और रूल वन क्या बताता है हमको, रूल वन हमको ये बताता है, रूल वन ने हमको क्या सिखाया, रूल वन ने हमको ये सिखाया कि हम ए आर्टिकल का यूज एक ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जो शुरुआत में आरंभ में बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और रूल टू उसके अगेंस्ट, उसके बरअक्स, उसके अपोजिट। ऑन कंट्रेरी रूल टू सेज दैट एंड इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ वोवेल साउंड। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल्स इस बात का क्लियरेंस होगा और एग्जाम्पल इसको क्लियर करेगा इस रूल टू को कि वाकई जो रूल टू कह रहा है वो सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रूल टू इज एलिफेंट। जो पहला एग्जाम्पल है रूल टू का डियर वंस वो क्या है, वो है एलिफेंट। क्या है, एलिफेंट। यस, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एलिफेंट। एलिफेंट शुरू किससे हुआ है, एलिफेंट किससे शुरू हुआ है, एलिफेंट जो है किससे शुरू हुआ है, रूल टू रूल टू ये है रूल टू, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। और ये एग्जाम्पल पहला शब्द, पहला लफ्ज एलिफेंट क्या है, मैं भी लिख दे रहा हूं, लिखने का मन कर रहा है, वैसे इस प्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है एलिफेंट। एलिफेंट डियर वंस शुरू किससे हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं ई से शुरू हुआ है, इससे ई से, ई है क्या हम सब जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल दैट इज एन इस ई इज अ वोवेल। ई क्या है, एक वोवेल है, और आप देख भी रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ प्रेजेंटेशन एंड द प्रेजेंटेशन शोइंग अस दैट ई, व्हाट इज ई, ई इज अ वोवेल, ई एक वोवेल है और ये साउंड किसका देता है, वोवेल का ही देता है, वोवेल है ये, क्या है ई वोवेल है और साउंड किसका दे रहा है, वोवेल का ही दे रहा है। तो इसलिए हम इस एलिफेंट से पहले किस मींस इनडिफिनिट आर्टिकल में हम किसका यूज करेंगे, ए का और एन का।
तो डेफिनेटली वी शैल यूज हियर एन, हम यहां पे एन का यूज करेंगे और ये हो जाएगा एन एलिफेंट, क्या हो जाएगा एन एलिफेंट, ये हो जाएगा एन एलिफेंट। क्यों, वो रूल टू हमको बता दिया है क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा कि हम एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, हम एन का यूज एक ऐसे लफ्ज से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। इन द सेम वे एग्जाम्पल नंबर टू ऑफ रूल टू, एस एक शब्द है, एक वर्ड है एस। अब आप मुझे बताइए कि इससे पहले ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए भी और एन भी, तो इससे पहले हम यूज किसका करेंगे, ए का और एन का, आप बताइए। यस, हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, आपने एकदम सही जवाब दिया, हम इससे पहले यूज करेंगे एन का। अब क्वेश्चन ये बनता है क्यों, व्हाई व्हाई एन विल बी यूज्ड बिफोर एस, द आंसर वुड बी, आंसर ये होगा कि एस एक ऐसा शब्द है जो कॉन्सोनेंट सॉरी जो वोवेल साउंड से शुरू होता है, जो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एस से पहले इसका यूज करेंगे, तो हम एस से पहले यूज करेंगे एन का। एग्जाम्पल नंबर थ्री, अम्ब्रेला, आप मुझे बताइए अ अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला, एग्जैक्टली एन अम्ब्रेला, व्हाई बिकॉज अम्ब्रेला स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, यहां पे भी यू है, आप देखिए, आप एक बार देखिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक ऐसा शब्द है जो किससे शुरू हुआ है, यू से, यू है क्या हम सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये है वोवेल, और यहां पे ये साउंड किसका दे रहा है, डियर वंस माय डियर स्टूडेंट्स, ये साउंड दे रहा है वोवेल का, तो इसलिए हम इस अम्ब्रेला से पहले किस का यूज करेंगे, ए का और एन का, देन एग्जैक्टली वी शैल यूज एन इन फ्रंट ऑफ अम्ब्रेला, सॉरी बिफोर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले हम किसका यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। एक चीज मैं यहां क्लियर करता चलूं, वो एक चीज मैं यहां क्लियर करता चलूं कि यूनिवर्सिटी, हमने लिख दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले क्या यूज होगा, ए और एन, और दूसरा हमने लिख दिया अम्ब्रेला, अब मुझे आप ये बताइए कि अम्ब्रेला से पहले क्या यूज होगा, ए और एन, दोनों शुरू किससे हो रहे हैं, ये दोनों जो वर्ड हैं लफ्ज हैं शुरू हो रहे हैं यू से, किससे शुरू हो रहे हैं डियर वंस, यू से, यस, एक हमने लिखा यूनिवर्सिटी, दूसरा हमने लिखा अम्ब्रेला, तो यहां पहले में जो यू है तो वोवेल क्या है, वोवेल है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए इससे पहले यूज होगा ए का, आ यूनिवर्सिटी, दूसरा शब्द है, दूसरा लफ्ज है हम लोगों के सामने,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी शुरू किससे हुआ है, यू से। यू है क्या, वोवेल, साउंड किसका दे रहा है, वोवेल का, इसलिए वोवेल का, वोवेल है और वोवेल का साउंड भी दे रहा है, इसलिए इससे पहले यूज होगा एन। तो ये हो जाएगा एन अम्ब्रेला। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑरेंज। ऑरेंज ओ से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं ऑरेंज किससे शुरू हुआ है, ओ से, और ओ वोवेल है। अब इससे पहले हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, एन। क्यों? क्योंकि ऑरेंज वोवेल है और वोवेल साउंड भी दे रहा है, और इसके बरअक्स है वन आइड मैन, जो आपने रूल वन में इस एग्जाम्पल को पढ़ा था। वन आइड मैन से पहले क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ओ है तो वोवेल, लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहां पे वन आइड मैन से पहले यहां पे ये साउंड दे रहा है वा का। यस, तो इसलिए इससे पहले यूज होगा ए, और ऑरेंज से पहले, ऑरेंज से पहले यूज होगा एन। यही हमको जानना है, यही हमको समझना है कि यूज करने में इस इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को यूज करने में हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए ये जो रूल्स है हमको मन में बैठा के रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आते हैं, पुटअप किए जाते हैं, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको गलती नहीं करना है। और गलती कब नहीं होगी, जब हम इस क्लास को अच्छे से और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर हम इसको पढ़ेंगे, और इसमें जो भी पॉइंट्स है उसको हम याद करेंगे, याद में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, उसे हम अपने माइंड में बसा के रखेंगे, भागने नहीं देंगे, तब हमसे ये गलती होने वाली नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गलती हो जाएगी और मार्क्स हमारे कट जाएंगे, और जो हमारा मोटो है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, वो हमको गेट करने में फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस चीज को हमको मन मस्तिष्क में रचा बसा के रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल, एप्पल से पहले क्या यूज होगा, ए और एन, तो एन यूज होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल ए से शुरू हुआ है और यहां पे ए वोवेल है और वोवेल साउंड भी दे रहा है। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल है ओ है और, देखिए एच ओ यू आर, इसका जो प्रोनंसिएशन है और भी है और और भी है, बोथ आर करेक्ट। तो हम यहां पे इसको जो प्रोनाउंस करते हैं और करते हैं, तो और ये जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6 वो है आवर। और इस प्रेजेंटेशन में आप देख भी रहे हैं और शुरू किससे हुआ है, डियर वंस, एच से शुरू हुआ है। एच बेसिकली है क्या, मींस दैट कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो हम सब जानते हैं कि एच हमारा कॉन्सोनेंट है,
एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये देखिए आप यहां लिखा भी हुआ है, आप अच्छे देखने वाले हैं, ये है कॉन्सोनेंट। और साउंड इसका क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है इस शब्द का, ओवर का जो साउंड आ रहा है शुरुआत में जो इसका साउंड आ रहा है वो आ रहा है वोवेल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एच है, ओवर का जो एच है वो बेचारा है म्यूट, साइलेंट है, क्या है वो म्यूट है, चुप है, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो आ गया है शब्द में, वो आ गया है, शुरुआत कर रहा है, अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहा है, अपना प्रेजेंटेशन शो कर रहा है, लेकिन एकदम खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, म्यूट है। तो इसलिए ये जो शब्द है, ये जो लफ्ज है, और ये जो हमारे सामने है स्क्रीन पर, ये जो शब्द है ये शुरू तो हुआ है एच से, लेकिन एच क्या है, म्यूट है, साइलेंट है, और जो साउंड आ रहा है क्या है, वोवेल है, लेकिन ये है क्या, म्यूट है, और जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है वोवेल का, उस शब्द, शब्द जो है और जो लफ्ज है वो शुरू हो रहा है डियर वंस ओ वोवेल साउंड से। तो इसलिए हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का और एन का, ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, इससे पहले हम यूज करेंगे एन का, एन और, क्या यूज करेंगे, एन का, और ये हो जाएगा एन और। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट है, साउंड वोवेल का दे रहा है, यहां पे ये म्यूट है, साइलेंट है, इसलिए इससे पहले यूज होगा एन का, यहां पे इस प्रेजेंटेशन में लिखा भी है एन आउट। एंड एग्जांपल नंबर 7, एयर, एच ई आर, एच ई आर आर, एयर, एयर भी एक शब्द है, शुरू हुआ है किससे, एच से, और एच भी क्या है इस वर्ड में, एच भी म्यूट है, साइलेंट, क्या है, एच भी म्यूट है, साइलेंट है, और जो शब्द का जो है शुरू में जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का, साउंड है कॉन्सोनेंट का, जो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए इससे भी एयर से भी पहले लगेगा क्या यूज होगा, एन का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट से पहले हम डियर वंस ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, यह भी शुरू किससे हुआ है, शुरू हुआ है एच से, किससे शुरू हुआ है, ऑनरेरी पोस्ट भी जो है किससे शुरू हुआ है, एच से, और एच यहां पे भी म्यूट है, साइलेंट है, एच क्या है डियर वंस, म्यूट है, साइलेंट है, तो इसलिए इससे भी पहले क्या यूज होगा, एन का यूज होगा, एन ऑनरेरी पोस्ट। इन द सेम वे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑनेस्ट मैन, अब हम इस ऑनेस्ट मैन से पहले किस मींस ए का यूज करेंगे और एन का यूज करेंगे, तो अब बेसिकली आप देख रहे हैं ऑनेस्ट एच से शुरू हुआ है, लेकिन एच म्यूट है, साइलेंट है, और जो साउंड आ रहा है वो जो साउंड आ रहा है वोवेल का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट एक शब्द है, किस साउंड से शुरू हुआ है, वोवेल साउंड से शुरू हुआ है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और इसलिए हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का और एन का, तो जवाब क्या आ रहा है, एन, एग्जैक्टली, व्हाई, बिकॉज़ ऑनेस्ट, द वर्ड ऑनेस्ट स्टार्ट्स विद एच, एच इज अ कॉन्सोनेंट, बट ड्यू टू बीइंग साइलेंट, ड्यू टू बीइंग साइलेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड
H is mute and the honest word starts with a vowel sound. Honest word is giving here vowel sound. That's why before honest and is used. यहाँ पे and का use हुआ है. An honest man. Example number 10. Last one. The last example. Honorable person. The last example. Last है but not the least is honorable. 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 Honorable person. Honorable एक ऐसा शब्द है जो H से शुरू होता है लेकिन H जो है म्यूट रहता है, उसका प्रोनंसिएशन नहीं है. और जो honorable शब्द है ये शुरू होता है vowel sound से, इसकी जो शुरुआत होती है vowel sound से. इसलिए जब भी हम A और N ये इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करने चलते हैं इस ऑनरेबल शब्द से पहले, इस ऑनरेबल लव्स से पहले, तो हम यूज करते हैं नियम 2 के अकॉर्डिंग एंड का. किसका यूज करते हैं डियर वंस? तो डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं एंड का, एन ऑनरेबल पर्सन. इस होपिंग दैट you all have understood it very well and you all have kept this class set this class in your mind. Once again welcoming you all to this online platform of Shishir Sir classes. तो Shishir Sir classes के online classes का भी enjoy लीजिए आप और offline का भी. तो आज की class में बस इतना ही, थोड़ा लेकिन ज्यादा. थैंक यू सो मच.